देखो बेटा ये पत्रकार टीवी चैनल के मशहूर पत्रकार और ये हमारे नेता जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए नेता जी के लिए। ओ अच्छा, इसे लगाया जाता है इसे। ओ कैसे पत्रकार अल्लाह, तुम्हें नमस्कार नमस्कार करना नहीं आता? चलो हम करते हैं नमस्कार। हम नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जो अपनी गाड़ी से आए उनको भी नमस्कार, जो दूसरों में घुस घुस के आए उनको भी नमस्कार, जो पीछे बैठे हैं उनको भी नमस्कार, जो आगे बैठे हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार एवं उनकी बहनों को भी विशेष नमस्कार। मैं ये मेरा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट नहीं नेता जी, असिस्टेंट। तू इधर नेता, तू है या मैं? आप चुप। और ये मेरा सिक्योरिटी कार्ड है। सिक्योरिटी कार्ड नहीं नेता जी, सिक्योरिटी कार्ड। अरे नेता, तू है या मैं? आप चुप। तो आइए नेता जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, कृपया स्थान ग्रहण करिए। अरे ई गई रहे कि स्थान ग्रहण कीजिए, यहाँ पे चारपाई तो है ही नहीं। अरे नेता जी, ये स्टूडियो है, यहाँ पे चारपाई नहीं बल्कि यहाँ पे तो चेयर लगाई जाती है। ये चेयर कहाँ है? छोटी चारपाई नेता जी, छोटी चारपाई। ओ छोटी चारपाई, छोटी चारपाई, इस पे तो मेरी टांग भी ना आवे। अच्छा बैठता हूँ। ताली बजाओ भाई नेता जी के लिए। करवाइए करवाइए। तो बताइए नेता जी कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? भाई मेरा जन्म तो इंडिया में हुआ था। अरे इंडिया में हुआ था? इंडिया के किस इलाके में हुआ था? इलाका तो कुत्तों का होता है, इज्जतदारों का नहीं होता। अरे नेता जी, हमारे कहने का मतलब ये है, आपका जन्म इंडिया के किस इलाके किस घर में हुआ था? अरे यार, चार दिन के बच्चे को क्या पता कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, उस वक्त तो मेरी आँखें बंद। ये जनरल नॉलेज का होवे, सामान्य ज्ञान देता जी, सामान्य ज्ञान। ओ सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान पूछो। तो बताइए नेता जी कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? चंद्रमा का पहला कदम हम मास्टर ने रखा था। हम मास्टर ने नहीं, नील आर्मस्ट्रांग ने। नेता तू है या मैं? आप चुप। तो बताइए नेता जी आपसे अब दूसरा प्रश्न कि चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? बेवकूफ है ये, महाबेवकूफ है। जब पहला कदम उसने क्या हो लंगड़ी खेलने गया था, दूसरा कदम भी तो उसी ने रखा होगा। अच्छा नेता जी, तो आप हम आपसे थोड़ी आपकी सिर्फ थोड़ा पार्टी की बातें करते हैं। ये पार्टी को हो गए राजनीति? ओ राजनीति राजनीति। अच्छा नेता जी, तो बताइए कि आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? गवर्नमेंट का होवे सरकार नेता जी, सरकार सरकार सरकार। हमारी सरकार तो राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब कि भगवान के भरोसे? अरे वो राम भरोसे ना, ही राम भरोसे। अच्छा, क्योंकि सारा काम तो ही करे, बस हम अंगूठा लगावे। अच्छा नेता जी, तो अब आप बताइए कि आप अपने जनता के लिए क्या क्या किया है? क्या किया जनता के लिए बताइए? बता दीजिए, कंबल बंटवाए थे। ओ बताते हैं, बहुत कुछ किया। पक्की रोडों को तोड़वा के कच्ची रोडें बनवा दी, बोलो जनता। हाँ, पक्के घरों को तोड़वा के कच्चे घर बनवा दिए, बोलो जनता। हाँ, और कंबल बंटवाए जनता को? नहीं, जानवरों को, गायों को, भैंसों को। आप मतदान तो जनता से लेते हैं, लेकिन कंबल तो गायों और भैंसों को बंटवाए हैं? अरे उनको ना बंटवा दो, क्या करें, दूध तो उन्हीं का पीते हैं, वो मर जाएंगे ठंडी में, तुम्हारा का कहीं ठेका चलता है? अच्छा नेता जी, तो अब आप बताइए कि आपकी डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? ये डेमोक्रेसी का हो बता दीजिए, डेमोक्रेसी क्या होता है? अच्छा
बताते हैं कि जनता का जनता के लिए क्या, जनता का जनता के लिए जनता की वैसी की तैसी, इसी को तो कहते हैं डेमोक्रेसी। तो अच्छा नेताजी, अब आप ये बताइए कि आप आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो जूता है, जूता। तो अब आप नेताजी ये बताइए कि आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपनी पार्टी को संदेश देना चाहेंगे कि भारी मतों से हमें विजयी बनाए, कि भारी मतों से हमें विजयी बनाए, जो चाय और कॉफी से ना माने उसे दारू और सिगरेट से मनाए। तो नेताजी आप ये बताइए कि आपके गांव में पिछले महीने आग लगी थी, तो आपने उसमें क्या क्या किया था? ओ, अच्छा, उसमें तो मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। बताएं, बताइए। देखो, जो घायल हो गए थे उन्हें शमशान घाट पहुंचा दिया, जो मर गए थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बाकी का काम जारी है। और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। भाई नेता के लिए जोरदार तालियां बजाइए, ऐसे नेता होंगे ना तो मरने के पहले ही काम खत्म। तो आज से हम ये शपथ लेते हैं कि हमें अपना नेता सोच समझ के चुनना चाहिए, बल्कि इनके जैसा नहीं। बहुत अच्छे बेटा, जोरदार तालियां बजाइए।